सुप्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः।
प्रियाई नमो नमः, धन प्रदायी नमो नमः, विश्व जनन्यै नमो नमः। जनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो जनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय विश्व जनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्व जनन्यै नमो विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्व जनन्यै नमो नमः। विश्व जनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्व जनन्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्व जनन्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्व जनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्व जनन्यै नमो नमः।
सुप्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो जनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो जनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः।
सुनाते हैं धन की देवी महालक्ष्मी
सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। सुनाते हैं धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। सुनाते हैं धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। सुनाते हैं धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा।
अच्छे बुरे का बोध कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। शीला पमन हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। Thank you.
कथा सुनाते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। वहाँ वितरित करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी, हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। माँ की कृपा से उनके घर फिर संपन्नता आई, उनको छू नहीं सकता था अब दुख की परछाई। हंसी खुशी फिर पति पत्नी समय बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी
लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं, धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। सुख पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं, धन की देवी महालक्ष्मी की महिमा गाते हैं, माँ की कथा सुनाते हैं। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। हे लक्ष्मी माँ परमेश्वरी करते वंदन माहेश्वरी। जनों, आज हम आप सबको माता लक्ष्मी की अत्यंत पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्यों की समस्त कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं और जीवन परम मंगलमय हो जाता है। तो आइए भावपूर्वक कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी की महिमा न्यारी, इनको पूजे सब नर नारी। माथे मुकुट स्वर्ण का सोहे, रूप अनूप मन मोहे। कमल पुष्प है माँ का आसन, माँ को सदा मानते मुनिजन। चार भुजाधारी है माता, भक्त जनों की भाग्य विधाता। देव यक्ष गंधर्व व किन्नर, दानव मानव अखिल चराच। जो भी माँ का नाम उचारे, अपना बिगड़ा कार्य संवारे। परम शक्ति परमेश्वर है ये, आदि शक्ति अखिलेश्वर है ये। इनकी भक्ति में खो जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। भक्त जनों, वैसे तो माता लक्ष्मी आदि और अनंत है, जिनका ना कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु। परंतु लौकिक दृष्टि से माता का अवतार कैसे और किस प्रकार हुआ, वह सारी कथा आज हम आप सभी भक्तों को सुनाने जा रहे हैं। तो आइए कथा का श्रवण पान करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। एक बार की सुनो कहानी, भक्तों है यह बात पुरानी। दानव देवों से जब हारे, पहुँचे शुक्राचार्य के द्वारे। सबने अपना कष्ट सुनाया, तरह तरह से उन्हें मनाया। दानव बोले
करुणा कर दो, हे भगवान झोली को भर दो। बोले शुक्राचार्य बताओ, क्या इच्छा है आज सुनाओ। कहा दानवों ने स्वीकारो, गुरु बनो सब कष्ट निवारो। पहले तो है बहुत बेचारा, फिर गुरु पद का भार संभारा। दानव सब अतिशय हर्षाए, शुक्राचार्य को शीश झुकाए। भक्तजनों, जब मुनि शुक्राचार्य ने दैत्य गुरु का पदभार स्वीकार कर लिया तो दानवों की हार से उन्हें महान कष्ट होने लगा। दानवों को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर साधना से संजीवनी नामक विद्या प्राप्त कर ली। अब आगे सुनिए, प्रेम से बोले भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। संजीवनी विद्या जो पाए, शुक्राचार्य लौट कर आए। असुरों ने अपने भय होकर किया आक्रमण स्वर्ग लोक पर। युद्ध छिड़ गया है अति भारी, चलते बरछे तीर कटारी। दोनों तरफ शीश कटते हैं, सैनिक पे सैनिक पटते हैं। दानव में जो भी मरते हैं, गुरु जिंदा करते हैं। साधनहीन देवता सारे इस प्रकार सब रण में हारे। प्राण बचा कर के सब भागे, पहुँचे नारायण के आगे। प्रभु जी को सब कष्ट सुनाया, अपना सारा हाल बताया। भक्तजनों, जब देवताओं ने भगवान श्री हरि से आठ भाव में प्रार्थना की तो भगवान बोले, हे देवताओं, तुम सब दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। मंथन से जब परमत्व अमृत निकलेगा तो तुम सब उसे पीकर अमर हो जाओगे, और इस प्रकार ना ही तुम्हें मृत्यु का भय रहेगा और ना ही तुम कभी किसी से हारोगे। अब आगे सुनिए, प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। प्रभु को सादर शीश झुकाकर चले देवता संग में मिलकर। दानव को सब कुछ समझाया, अमृत का लालच दिखलाया। अमृत के लालच को पाकर चले सभी सागर के तट पर। गरुड़ देव को तुरंत पठाया, मंदराचल पर्वत मंगवाया। अब आगे की सुनो कहानी, बने बासुकी नाग मथानी। शुरू हुआ है सागर मंथन, अतिशय हर्षाया सबका मन। उस अथा जल में जब मंदन लगा डूबने सागर अंदर, प्रभु ने कच्छप रूप बनाया, मंदरा जल का भार उठाया। भक्तजनों, जब भगवान श्री हरि ने कच्छप का रूप लेकर मंदराचल पर्वत के भार को अपनी पीठ पर धारण कर लिया तो सागर मंथन का कार्य पुनः एक नवीन उत्साह के साथ प्रारंभ हो गया। अब आगे सुनिए, प्रेम से बोले भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। कालकूट विष निकला बाहर, संकट छाया है त्रिभुवन पर। हाहाकार मचा है भारी, अकुलाई है सृष्टि सारी। विष्णु जी तक्षण ही आए, सबको एक उपाय बताए। शिव जी के चरणों में जाओ, उनसे ही अरदास लगाओ। देव सभी कैलाश सिधाए, शिव को सादर शीश झुकाए। महादेव को सब बतलाया, कालकूट का हाल सुनाया। अंतर्यामी भोले शंकर, सभी देवताओं को लेकर पहुँच गए हैं सागर के तट। पान किया है वो विश्व उत्कट। भक्तजनों, जब भगवान भोलेनाथ ने सागर मंथन से निकले विष का पान कर लिया तो मंथन का कार्य पुनः प्रारंभ हो गया, और एक एक करके बारी बारी चंद्रमा, उच्चैश्रवा घोड़ा, इरावत नामक हाथी, कल्प वृक्ष और पारिजात नामक अनेकों रथ निकले, जिन्हें देवता और दैत्यों ने आपस में बांट लिया। अब आगे सुनिए, प्रेम से बोले भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। सागर के मंथन से बाहर देवी निकली है एक
सुंदर हाथों में फूलों की माला, दिव्य छटा है रूप निराला, अंग अंग आभूषण राज, गले रत्न की माला साज, तन पर लाल वस्त्र मन मोहे, कमर कर धनी अतिशय सोहे, सबने जय जयकार किया है, लक्ष्मी ने अवतार लिया है, ब्रह्मा ने एक सभा बुलाई, माला लेकर माता आई, विष्णु जी का वरण किया है, हार उन्हीं को पहना दिया है, जय 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 लक्ष्मी नारायण, तुम हो सृष्टि के जीवन धन। भक्त जनों, माता लक्ष्मी का अवतार कैसे और किस प्रकार से हुआ वह सारी कथा हमने आप सभी श्रेष्ठ श्रोताओं को श्रवण करा दिया है। अब आगे माता लक्ष्मी की महिमा और उनके गुणों के गान को सादर श्रवण पान कीजिए। प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। अष्ट रूप है माँ का प्यारा, इसे जानता है जग सारा, सुख संपदा समृद्धि बढ़ाए, धन लक्ष्मी है पहला रूप, निर्धन को भी कर दे हो, धन की कमी कभी ना आए, कर्जे से ये मुक्त कराए, यश लक्ष्मी सम्मान बढ़ाए, आयु लक्ष्मी रोग मिटाए, वाहन लक्ष्मी को ध्याओगे, मन चाहा वाहन पाओगे, स्थिर लक्ष्मी माँ का ध्यान, भक्तों का करती है कल्याण, सत्य लक्ष्मी जो कहलाए, उनकी दया कहीं ना जाए। भक्त जनों, माता सत्य लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को मन चाहे और अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन अत्यंत आनंददायक हो जाता है। माता का सातवां स्वरूप संतान लक्ष्मी का कहलाता है। संतान विहीन दाम्पत्य को अपने वंश विधि के लिए इनकी विशेष सेवा अर्चना करनी चाहिए। इनकी कृपा से आज्ञाकारी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। माता का आठवां स्वरूप गृह लक्ष्मी का कहलाता है। इनकी पूजा और आराधना से स्वयं के घर का स्वप्न पूरा होता है और समस्त ग्रह बाधाओं का अति शीघ्र निवारण होता है। अब आगे सुनिए, प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। शंख समुद्र से बाहर आया, इस कारण माता को भाया, माता का भाई कहलाए, इसको भी तो पूजा जाए, पूजा में जो शंख बजाए, कृपा दया माता की पाए, माँ मंगल करने वाली है, झोली को भरने वाली है, जो माँ लक्ष्मी का गुण गाए, घी का चौमुख दीप जलाए, उसके घर में सदा सदा ही वर्षा होती, धन वैभव की, धन से दीनहीन होता जो, मान कहीं ना पाता है वो, इस कारण माँ के गुण गाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। भक्त जनों, जिस भी व्यक्ति के पास धन की कमी होती है उसका कहीं पर भी मान अथवा सम्मान नहीं होता। इस कारण माता लक्ष्मी की दया दृष्टि पाने के लिए नित्य निरंतर शुद्ध भाव से माता का चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को माता का व्रत और गुलाब की पंखुड़ियों से माता लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। माता के श्रीयंत्र को अष्टगंध से तिलक लगाना चाहिए। धूप दीप और नैवेद्य से भली प्रकार माता का पूजन करके भगवान विष्णु के सहित माता लक्ष्मी का भजन और कीर्तन करना चाहिए। अब आगे सुनिए, प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की जय। धन की देवी ये कहलाती, दरिद्रता को दूर भगाती, जो भी इनका ध्यान लगाए जिस पर इनकी करुणा होती, उसके घर में बरसे मोती, यश वैभव सत्ता मिल जाए, सदा सदा सम्मान हो पाए,
शुक्रवार दिन इनको प्यारा, इसे जानता है जग सारा। इस दिन जो भी व्रत करते हैं उनके भंडारे भरते हैं। खीर बहुत इनके मन आए, रबड़ी भी अत्यंत सुहाए, श्वेत मिठाई भोग लगाओ, जीवन में सुख वैभव पाओ। भक्तजनों, जो भी श्रद्धा भाव से 11 अथवा 21 शुक्रवार का व्रत संकल्प करके पवित्रता पूर्वक करता है, बिना नमक के फलाहार करता है और पूरे दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करता है, उसके समस्त मनोरथ अतिशीघ्र संपन्न हो जाते हैं और चारों ओर उसकी ही प्रशंसा होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की उद्यापन का जब दिन आए, 11 सुहागिनों को बुलाए, प्रेम सहित भोजन करवाए, कोई वस्त्र उन्हें पहनाए, पूरे भाव नमन में पाले, चुगली चोरी तुरत निकाले, मन को निर्मल शुद्ध बनाए, उसमें माता को बैठाए, लोक और परलोक बनेगा, चोर उठा जल्द मनेगा, काम कभी ना कोई रुकेगा, मेरे सम्मुख सदा झुकेगा। माँ लक्ष्मी की पावन गाथा कहे सुने जो भव तर जाता, माँ सानंद पे करुणा कर दो, द्वार खड़ा है झोली भर दो। जय जगदम्बे माँ।
का समुझ समास। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। दुर्गा सनातनी दुर्गा परावे ज्ञान, दुर्गा मंगलकारिणी, दुर्गा सत्य समान, दुर्गा कुंदन कामिनी, दुर्गा काली करान, दुर्गा देवी जलोदरी, दुर्गा करुण कृपान। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे, दुर्गा पर
त्रिपुरा चंडिका पूर्ण करती काज, दुर्गा है सर्व मंगला माथे स्वर्ण का ताज, दुर्गा दुर्गति नाशनी सुगति करे प्रदान, दुर्गा है सुर वंदिता दुर्गाई का उत्थान।
दुर्गा जग का मूल है, दुर्गा अनंत आकाश, दुर्गा दीन दयालिनी, दुर्गा समुज समास। जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। दुर्गा आदि सना जगदम्बे माँ।
सीता भव मोचनी करे ब्रह्मांड निवास, दुर्गा चित्रा चामुंडा त्रिशूल जिनके पास। जय दुर्गा है त्रिनेत्री, दुर्गा है अति सुंदर, दुर्गा मन की शक्ति है सृष्टि जिनके। दुर्गा नंदा नंदिनी, दुर्गा तप का
दुर्गा शीतल प्रकाश, दुर्गा मूल प्रकृति है, दुर्गा शुभ संयोग, दुर्गा है भग रूपिणी, दुर्गा परम प्रभो। जय जगदम्बे माँ।